नमस्कार वनिनिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धोरिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने काफी तबाही मचाई थी। ऐसे में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार काफी सतर्क हो गई है। टेस्टिंग, जीनोम सिक्वेंसिंग और वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट क्या डेल्टा की तरह ही गंभीर होगा और क्या आम लोगों को इससे बचने के क्या तरीके अपनाने चाहिए? कुछ इसी तरह के मुद्दे पर फोर्टिस हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने आज तक से खास बातचीत की है। आपको बता दें, आज तक से खास बातचीत में डॉक्टर सेठ ने बताया कि इस नए वेरिएंट में काफी सारे म्यूटेशन हुए हैं। इतने सारे म्यूटेशन डेल्टा में भी नहीं थे। इतने सारे म्यूटेशन की वजह से वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। वैक्सीन या पहले के कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी बनी थी वो इस वेरिएंट को पहचान नहीं पा रही है कि ये वायरस है जिसके खिलाफ हमें लड़ना था और इसके लिए हमारी एंटीबॉडी बनी थी। उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक हो गया है। आज तक से खास बातचीत में डॉक्टर सेठ ने कहा कि भले ही हम कहते रहे कि ओमिक्रॉन का संक्रमण हल्का है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हर देश में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है, इसलिए ही ये बहुत गंभीर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इसके ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसके हल्के लक्षण होने की बात भी साउथ अफ्रीका के डॉक्टर से पता चली थी, क्योंकि बाकी किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में किसी ने ये अनुभव नहीं किया। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर सेठ ने बताया कि किन लोगों को ओमिक्रॉन से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर सेठ का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए फिक्र ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन से बीमारी गंभीर नहीं होती। डॉक्टर सेठ ने कहा कि वैक्सीन हमें कोरोना वायरस होने से नहीं बचाती है, लेकिन जानलेवा स्थिति से जरूर बचाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कम्युनिटी के इम्यूनो सप्रेस्ड कैंसर ट्रांसप्लांट के मरीज और बुजुर्गों को सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी वैक्सीन की इम्यूनिटी अब खत्म हो रही है। डॉक्टर सेठ ने लोगों से अपील की कि बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें, ये ना सोचे कि कोरोना हमारी जिंदगी से चला गया है और हमारी जिंदगी सामान्य हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने का इंतजार और करिए, डबल मास्क लगाकर ही बाहर निकले। डॉक्टर सेठ ने कहा कि अगर आप कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो उसके नीचे सर्जिकल मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि आपकी 95% सुरक्षा इसी में हो जाएगी। नियमित रूप से हाथ धोएं और भीड़ भाड़ में जाने से जरूर बचें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।